इसकी लीफ फॉल 31 दिसंबर को 100% ये हो जाएगा लीफ फॉल इसका, सारे पत्ते सब पत्ते राइट, तो इसमें कोई अपना पत्ता एक भी नहीं होगा 31 दिसंबर को। तो ये इसके नीचे गेहूं अपने बड़ा अच्छा मिल जाता है इसमें, तो सनशाइन हो गया, विंटर की क्रॉप है। और इसमें 15 मार्च को जब पत्तियाँ निकलनी शुरू होती हैं उस वक्त अपना ये इसके पत्ते आने शुरू होते हैं, उधर में बाली में उसमें दूध अपना भर हो गया होता है, दूध भर गया होता है, तो उसको सिर्फ दाने को जरा उसका गाढ़ा होना होता है, वाटर मे बी टेक्नोलॉजी आपकी कहते हैं, दाने की हार्ड उसको होना होता है, तो छाया में भी थोड़ा बहुत अपना हार्ड नहीं उसकी हो जाती है। तो इसमें अब ये देखिए ना, अब हमने ये ऐसे पहले रोज़मरी लगी हुई थी, पॉपुलर वाले ग्रोअर वगैरह रिसर्च वाले कि आप सन ट्रैक्शन में लगाएं इसको पॉपुलर को, ताकि नीचे क्रॉप को पूरी धूप मिले। तो हमने उनको इग्नोर करते हुए, नहीं हमारा प्लॉट ऐसे सीधा ऐसे जुताई में ठीक रहेगा, खूबसूरती लगेगी, ये है वो है, अल्टीमेट 84 में मैंने इसकी स्टॉल की थी। तो अब अल्टीमेटली फिर यही हमने फील किया अंडरक्रॉप लेते हुए कि सन ट्रैक्शन में लगाने चाहिए, और सन ट्रैक्शन भी वो कि जब अपने, क्योंकि सूर्य तो थोड़ी बहुत डिग्री आधी डिग्री एक डिग्री डिवेट होता ही है एवरी डे, तो हमने ये देखना जब 15 मार्च को पत्तियाँ इसकी आती हैं उस वक़्त सूरज की तरह से चढ़ता है राइट। तो इसको लगाया जाता है जनवरी में पॉपुलर को, तो जनवरी में आपने इसको लगाना है, और जनवरी आपके सूर्य यहाँ से निकल रहा है और जानिए उसको कहाँ से निकलता है, उसके बाद में सूर्य इधर को जाएगा 15 मार्च के बाद में, 15 जून के बाद में फिर ऐसे वापस आना शुरू हो जाएगा राइट। तो हमने ये अपना एक्सपीरियंस किया, दिस इज माई डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन ऐसे होती एक तरफ है दूसरे चले जाता है। तो 25 दिसंबर को आप देख लो कहाँ आपका वो, या 1 जनवरी को देख लो, 5 दिन का डिफरेंस है कि कहाँ पर आपका ये सूर्य चढ़ता है, उससे आपने जो लाइन लगानी है अपनी पॉपुलर की उससे 30 डिग्री डेविएट हो जाएगी, बल्कि मैं तो 40 भी कहता हूँ, उस लाइन से 40 डिग्री आप ऐसे हो जाए राइट। तो 40 डिग्री पर एक वहाँ पर खूंटा काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए, एक लाइन ले लीजिए, उसके पैरल आप लाइन लगाना, अभी हमारी लगी हुई लाइन अपनी। अगर आपका कभी आने का टाइम हो मार्च में, अगर आते हैं 15 मार्च को, आपको बिल्कुल सन सन बीच में मिलेगा, ऐसे नहीं लगे ऐसे जाएगा। तो ये उसके बाद में धीरे धीरे फिर ये इधर को होगा सूरज, फिर इधर को आता जाएगा, तो मैक्सिमम सनशाइन अपना क्रॉप को इसमें अंडर में मिलती है। और ये हमने अब देखिए ये 40 फीट का है यार, और 40 वो वैसे तो ये 40 की मैंने लगा दी लाइन बीच में, ये लगानी नहीं चाहिए थी, 80 फुट के ऊपर में सन डायरेक्शन में आप ऐसे लगाएं टेढ़े, इसमें आप जो मर्जी क्रॉप नीचे लें एनी क्रॉप, अगर उसमें मान भी लें कि अगर आपकी 90% क्रॉप निकलती है, आपने 10% लूज़ किया, आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी 6000 रुपये की है पर एकड़ की, तो आपका 10% के लिहाज से 600 रुपये पर ईयर आपने लूज़ किया, और वो भी 10% एवरेज है, पहले 2 साल कोई क्रॉप का आपके नुकसान नहीं होगा, क्योंकि छोटे हैं ना पत्ते ये सही है, ये तो हमारे घर के बड़े लगाए हुए हैं ना आप, ये मेरी मार्च की प्लांटेशन है, इस मार्च की मार्च में नहीं लगाते, वैसे जनवरी फरवरी में लगाते हैं, लेकिन ये भी मैंने अपना लगाए हुए हैं 6-7 मार्च को ये आ, और 22 मार्च को मैंने प्लॉट ख़त्म किया, और मेरी यहाँ मॉर्टेलिटी अपने आप नहीं है, ट्रैक्टर से श्रावण से मॉर्टेलिटी हो गई है या लॉजिंग होगी, लेकिन पौधा नहीं मेरे को मरने दिया गया यहाँ पर, 22 मार्च का भी लगा हुआ, जब तक आपको ये बात को मानेगा नहीं, आप उसको लगाने का तरीका ना, लगाने का तरीका ना उसको, आप सूरज की डायरेक्शन कैसे नापते हैं, मतलब जैसे सनराइज हो रहा है, देखिए अब ये आपको बताया कि 1 जनवरी से पॉपुलर लगना शुरू होता है ठीक राइट, और इसको फरवरी तक अपना लगाते हैं 28 फरवरी का। अब आदमी का प्लॉट ही स्क्वायर है, स्क्वायर ये आप रेक्टेंगल वाटर जो भी, अब आदमी कहता है चलो मेरा ऐसे लंबा है, लंबे जुताई करनी है, मैं ऐसे अपना लाइन टू लाइन रख दूँ, देखो लाइन टू लाइन का फासला ज़्यादा होता है, इन्हें रो उनका कम फासला होता है प्लांट्स ठीक रहते, जैसे हमने 6 फुट रखा ठीक है, लाइन टू लाइन ज़्यादा। अब हमने ऐसे लगा दिया, अगर फर्क को सूर्य मेरा वहाँ से चढ़ता है निकलता है चढ़ने में निकलता है हाँ सनराइज आई मीन टू से पंजाबी बोल देता हूँ बीच में, पंजाबी
देखो सनराइज जो आपका जो है ये आपका फर्क और हमने रोज ऐसे लगा दी, देखी ना आपने, हमने रोज फर्क और ऐसे लगा दी अपने प्लॉट में, ठीक है लंबी लंबी लगा दी, ये फासला ने कम कर दिया, कम कर दिया, इधर से सूरज चढ़ा, अब चढ़ा इधर में तो ये भी पेड़ की रोज है, पेड़ ऊंची है तो नीचे धूप तो मिलेगी नहीं, मिलेगी। आया ऊपर में, जब 11 बजे आएगा ये तो पार्शियल इसकी इतनी हाइट है कि यहाँ से इसकी टॉप का छाया यहाँ पड़ जाएगा, क्रॉप को नहीं मिलेगा, ठीक बात, ठीक है। अगर फर्ज को हमने ऐसा रोज लगाई है, सपोज सूर्य यहाँ से चढ़ता हो, ऐसे चढ़ा और ऐसे छिपा, तो नीचे पूरी आपको सन मिलेगा। सही बात। तो इस चीज को कोई आदमी ध्यान देता ही नहीं है, वो कहते हैं जैसे मर्जी लगा दो पॉपुलर को, कि पेड़ जो मर्जी लगा दो इसमें क्या फर्क पड़ता है, तो लेकिन धूप जो है, अच्छा फिर इसमें ये भी है, पॉपुलर की ग्रोथ भी ज्यादा होती है, जब आपने यहाँ से सूर्य चढ़ा है तो इसको सन भी नहीं मिला, अपना अपना सन भी नहीं मिला, इसको पत्तों का सन भी मिला, पॉपुलर के पत्तों, एक ने दूसरे को ढक लिया, एक ने ढक भी अपना ही, हाउ यू फॉलो इट माय पॉइंट, एक दूसरे ढांप लिया, ना क्रॉप को मिलती है और ना ही उसको मिलती है, अपना पॉपुलर को मिलती है, तो दोनों की ग्रोथ जो है ना वो अपने रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। ये जो रिसर्च आपके दिमाग में आई ये कैसे आई? बहुत नहीं, मेरी रिसर्च नहीं है, ये पॉपुलर वाले जो हैं रिसर्च सेंटर वाले वो बताते हैं, उन्होंने ऐसे किताबें में है मेरे पास जो कि पढ़ी हुई, वो बताते हैं किताबें में है मेरे पास जो कि पढ़ी हुई वो बताते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये हमने इग्नोर किया और सफ़र किए, तो फिर हमने अपना चेंज किया इसको, और उधर का प्लॉट हमने लगाया, वो भी सन डायरेक्शन में लगाया, ये भी सन डायरेक्शन में लगाया, उधर का सन डायरेक्शन में लगाया, अब ये जब सप्लाई हो जाएगा ये भी सन डायरेक्शन में लगाऊंगा अपने, ये ठीक है। और आपको गन्ना दिखाता हूँ मैं, राइट, कि इसमें गन्ने में पहले 2 साल कोई फर्क नहीं पड़ता, अब 10% फर्क पड़ा, 0.9% और उसके नीचे अपना रेजर के साथ में पैच कर दिया, जैसे ही रेजर निकलती है वो पाइप उसके पीछे जैसे सीजन होती है गेहूँ की, वैसे 4 इंच का पाइप लगा दिया और उसमें अपना क्या कहते हैं वो अदरक डालते हैं, ऐसे उठाते हैं ऐसे डालते हैं, वो तकरीबन 8-9 इंच पे होना चाहिए, कोई 8 इंच पे गिर गया, 1 फुट पे गिर गया, 6 इंच पे गिर गया, ऐसे हो जाता है। अगर मैनुअली आदमी डालता ऊपर से खड़ा हुआ तो तब भी हमने देखा है 9 इंच 10 फुट सॉरी 10 इंच 1 फुट के ऊपर तब भी गिरता है मैनुअली भी। सही बात। और इसमें हमारा 3 एकड़ अपना इस रेजर ट्रैक्टर से एक दिन में हुआ है, अदरक बोलो हल्दी बोलो 3 एक दिन में 8 घंटे, लेकिन वो आपकी मदद वाली है वो तो बड़ी होती है, है? वो उसमें नहीं जा पाई चढ़ जाती थी, 4 इंची का पाइप था, 4 इंची मेरे 2 पाइप 3 इंची के लगे हुए थे पहले, पर अपने हमें चेंज किए राइजों के लिए, हाँ 3 इंच में तो अपना डॉक्टर वगैरह निकल जाती, अच्छा जो लंबी लंबी होती है डॉक्टर वगैरह वो भी तो फट जाती फट जाती, तो मैंने सब 4 इंची के पाइप कर दिया, 4 इंची बहुत बड़ा है। अच्छा एक अंकल उसमें ना वो बता रहा था कि वो सोइंग के टाइम में एनपीके डाले और एक बार जब मिट्टी चढ़ाते हैं तब एनपीके डाले और उसके बाद फिर स्प्रे करते हैं फिर यूरिया, मतलब जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो एनपीके यूरिया डाल के फिर मिट्टी चढ़ाते हैं, वो तो आपने हमें ऐसे ही है ऐसे डाल के ब्रॉडकास्ट में कभी चढ़ाते हैं। और इसमें वो डाइथन M45 इसकी अपनी राइजोम को बोने से पहले उसमें डाल के उसको सफालो साथ छाया में